क्वांटम ब्रोस का क्या काम है इसमें, चलिए आगे बात करते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। ये बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वांटम डॉट्स के बारे में, आखिर क्वांटम डॉट्स होता क्या है, इसको एक नज़र में देखते हैं। क्वांटम डॉट्स एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक कहें तो विद्युत तो प्रवेश करती है एक तरफ से दूसरी तरफ, पार कर जाती है बट बहुत कम मात्रा में पार कर जाती है, ठीक है, इसीलिए इसे अर्धचालक बोलते हैं। और ये नैनो स्तर का होता है, नैनो स्तर मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण के रूप में, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं नैनो कण या नैनो क्रिस्टल। नैनो क्रिस्टल को क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। आमतौर पर इसका व्यास जो होता है 1 से 10 नैनोमीटर का, कहीं कहीं किसी स्रोत से आपको पता चला हो चलेगा भी 2 से 20 नैनोमीटर का होता है, ऐसे हम आमतौर पर क्या जानेंगे 1 से 10 नैनोमीटर का होता है क्वांटम डॉट्स, ठीक है। इसमें विशिष्ट विद्युत और प्रकाशीय गुण होता है, विद्युत इसलिए विद्युत गुण होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, क्वांटम डॉट्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और प्रकाशीय गुण इसलिए क्योंकि ये प्रकाश की तरह चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के आकार को नियंत्रित करते हुए, यानी क्वांटम डॉट्स का आकार कभी हाई लो होता है ना, बढ़ता घटता रहता है, इसके आकार को नियंत्रित करते हुए इससे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को उत्सर्जन और अवशोषण करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके आकार को क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेंगे और इसके तरंगदैर्ध्य को प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण करवाया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा के लिहाज से अगर हम बात करें, ये काफ़ी दक्ष विविधता लिए हुए और चमकीले होते हैं, ठीक है, कैसा होता है, बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। इसलिए टेलीविज़न, नवीन प्रकाश स्रोत और चिकित्सा इमेजिंग में इन्हें डिस्प्ले प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टेलीविज़न में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नवीन प्रकाश स्रोतों और चिकित्सा इमेजिंग में इन्हें डिस्प्ले प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कंपोजिट सोलर सेल और किसी जैविक अणु की पहचान करने में भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, आखिर क्वांटम डॉट्स किस प्रकार का होता है और इसका बनावट क्या है। आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है क्वांटम डॉट्स, ठीक है। क्वांटम डॉट्स एक गोल पार्टिकल्स की तरह होता है, एकदम बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होता है, बहुत ही छोटा होता है ये, ठीक है। इसका बनावट जस्ट पृथ्वी की तरह होता है, जिस तरह पृथ्वी के अंदर सबसे मध्य भाग को, सबसे मध्य वाले भाग को कोर कहते हैं, उसी तरह क्वांटम डॉट्स के अंदर वाले भाग को क्वांटम डॉट कोर बोलते हैं, क्यू डी कोर लिखा होगा आपको या दिख रहा होगा, क्यू डी का मतलब क्वांटम डॉट कोर, इसके बीच वाले भाग को कोर बोलते हैं। ये दिखाने के लिए बाहर से कटिंग ही इसको दिखाया गया है, यहाँ पे ये कट बाहर से दिखाया गया है क्योंकि अंदर का भाग दिखाई पड़े, ठीक है, ये खुला नहीं होता है, पूरा पैक होता है लाल कलर से, ठीक है। और ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा होगा यही है क्वांटम डॉट सेल, रेड कलर वाला जो ये दिख रहा होगा ये क्या है, क्वांटम डॉट सेल। और क्वांटम डॉट सेल को जो बाहर से जो प्रोटेक्शन दिया जाता है ये प्रोटेक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल हैं जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि क्वांटम डॉट्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आखिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार का किया जाता है, इसको हम देखेंगे। थोड़ा हम इसको जूम आउट कर देते हैं और इसको दिखाते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग किस किस जगह पे करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वांटम डॉट्स का प्रयोग बायो इमेजिंग एंड मेडिकल मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बायो इमेजिंग का मतलब बात करें तो ये सेंसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा ये सेंसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और मेडिसिन मतलब ड्रग डिलीवरी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, क्वांटम इन्फॉर्मेशन तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग क्वांटम इन्फॉर्मेशन तैयार करने में किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है,
मशीन विजन में प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग मशीन यूज करते हैं उसको देखने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्वांटम डॉट्स का प्रयोग। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो घर में सोलर कैमरा का यूज करते हैं, अभी पहले हम कैमरा का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग घर में कैमरा यूज करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। देखिए, फोन में जो कैमरा होता है इसमें भी क्वांटम डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। अभी हम शुरू में ही बताए हुए थे एलईडी में जो स्क्रीन होता है वो क्वांटम डॉट्स के ही वजह से वो उसका डिस्प्ले दिखाई पड़ता है। कोई भी फिगर हम जो देख पाते हैं कोई भी टीवी डिस्प्ले पे, तो क्वांटम डॉट्स के वजह से। आखिर कैसे दिखाई पड़ता है वो अंत तक बने रहिएगा, हम उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इल्यूमिनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है क्वांटम डॉट्स का। फिर एनर्जी हार्वेस्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग मतलब सोलर प्लेट पे एनर्जी लेना और इसे बैटरी चार्ज करना वगैरह, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है क्वांटम डॉट्स का ही। देखिए यहाँ पे लिखा होगा सोलर कंसंट्रेशन, मतलब सोलर लाइट को ये क्वांटम डॉट्स की सहायता से एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हमने देखा अब इसका प्रयोग, चलिए आगे देखते हैं। QLED जो हम लोग देखते हैं घर पे, टीवी जो होता है QLED होता है, OLED होता है, आखिर ये क्या है, ये क्यों क्या है इसमें? LED टीवी तो हम लोग जान रहे हैं लेकिन ये QLED क्या है, चलिए देखते हैं। QLED में का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है क्वांटम डॉट, क्यू का मतलब क्वांटम डॉट होता है। ठीक है, और LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसी के वजह से हम लोग कोई भी चीज़ टीवी स्क्रीन पे देख पाते हैं। चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये जो टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन में जो डिस्प्ले होता है काफ़ी लेयर से बना होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पीछे का जो लेयर होता है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ये पीछे वाला लेयर, यही होता है ब्लू LED। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का लाइट होता है। अब यहाँ से ब्लू कलर का लाइट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, उसके बाद वाला ये क्वांटम डॉट्स ये बना होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का लाइट क्वांटम डॉट्स से होकर क्रॉस करेगा, तो क्वांटम डॉट्स का काम है उस लाइट को डिफरेंट लाइट में कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, जो हमारे सिनेमा या फिर हमारे फोटो के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला डिस्प्ले में भेजता है। आगे वाला डिस्प्ले में क्या करता है, उस लाइट को एग्जैक्ट एक पॉइंट्स पे मिलाता है। एक पॉइंट्स पे मिलेगा तभी तो हम एग्जैक्ट कोई भी फिगर को हम देख पाएंगे डिस्प्ले पे। ये जो यहाँ पे कोई भी फिगर दिख रहा होगा, ये लाइन ही दिख रहा है, तो एग्जैक्ट कैसे दिख रहा है, तो ये क्या करता है, एक जगह इसको इकट्ठा कर देता है डिस्प्ले पे। ठीक है, तब हम लोग कोई भी फोटो या फिगर को हम टीवी डिस्प्ले पे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, यही फंक्शन था LED में। कोई भी फिगर या मूवी देखते हैं या फिर कोई भी वीडियो चलता है तो यही फंक्शन के वजह से चलता है, जो कि सबसे इसका मेन प्रमुख भूमिका है, तो क्वांटम डॉट्स का होता है जो पीछे का ब्लू लाइट को कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब ये सब क्वांटम डॉट्स आपको बता देते हैं, आखिर ये परीक्षा को दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने इस पर एक रिसर्च किया है कि क्वांटम डॉट्स का प्रयोग किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये अभी रिसर्च जारी भी है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर UPSC, ये जो राजस्थान PCS है, UPPCS है, बिहार BPSC का हो जाएगा, या फिर छोटे मोटे जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये करंट में तो होगा ही और करंट के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़े तभी रहेंगे जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है
कि जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो भी डेटा पुराना हो चुका है उसको हम अपडेटेड करके हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आप परीक्षाओं में जाएं तो उसको गलत ना करें। ठीक है, परीक्षाओं से पहले ही हमारा वीडियो आप क्लियर देख लें, जिससे कि जो भी चेंजेज आया होगा तो हम उसको उसमें बता देंगे, क्लियर कर देंगे, जिससे कि आप गलत डेटा लेके ना जाएं और गलत करके ना आए। जानते हुए भी गलत करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।